गेन गावा सर बताइए आपका क्विक सिंगर। गुड मॉर्निंग, स्टॉक के क्विक सिंगल है मेरा आज ओबरॉय रियलिटी। आई थिंक रियलिटी पैक अच्छा लग रहा है, 1449 पर ट्रेड कर रहा है, आज का लो है करीब 1430 का, वहां पर स्टॉप लगाना चाहिए 1900 रुपए का, टारगेट 1475 ओबरॉय रियलिटी। ओके ओबरॉय रियलिटी ये हो गई गाबा सर की पिक। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ, शिवांगी गुड मॉर्निंग, शिवांगी आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग, ट्रेड के लिहाज से KEI पे नज़र है। स्टॉक जो है वापस एक कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश लेवल रैली के लिए तैयारी कर रहा है। RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। वीकली फ्रेम में हम एक नैरो रेंज फॉर्मेशन देख रहे हैं और कुल मिला के पॉजिटिव यहाँ पे जो है टर्नआउट देखने को मिल रहा है, तो टेक्निकली काफ़ी पॉजिटिव है एंड 4080 के इमीडिएट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी की सलाह है इस टारगेट्स के लिए 3845 के एक स्टॉक के साथ। ओके के इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से आखिरी बार भी जब आप आई थी शिवांगी आपने इसी स्टॉक को पे बाय कॉल दी थी, 3929 का बाय प्राइस है यहाँ पे। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? ब्रेन जी मेरा ट्रेड DLF पे रहेगा। DLF ने कल 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था, आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन कर लेगा। आई थिंक यहाँ से एक अच्छी खासी रैली बनती है। टारगेट आपके 910 रुपए के टारगेट रहेंगे, 910 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करिए। 869 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है DLF में, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 900 वाला कॉल ऑप्शन जो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके DLF और DLF पे ये बाय कॉल, ओवरऑल रियल्टी पे बाय कॉल, एक सेंस मिल रहा है कि रियल स्टेट स्पेस में आज वाइल्ड स्विंग है, बाजार उसको आई थिंक प्ले कर रहा है इस वक्त। मेरे स्क्रीन पे इस वक्त सारा का सारा रियल स्टेट अच्छा मूव देता हुआ। आशीष बहती जी आपका ट्रेड। जी वीरेन जी, मुझे सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी, अच्छा मोमेंटम इसमें बनता हुआ देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से स्टॉक अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया है वो यहाँ से एक मोमेंटम दिखा रहा है कि बड़ा बन सकता है, तो 615 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 640 और 655 के टारगेट्स के लिए। अच्छा एक बार आप राजेश पालवीय जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। राजेश जी कल आपने जो रिलायंस की स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी क्लोजिंग में, अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट जोन में आ गई है। मैक्सिमम प्रॉफिट 8600 का था, अब आप 8400 के करीब उस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बन रहा है। पहले तो इस पर एक अपना व्यू दीजिए कि क्या करें और क्या इसको बुक कर लें, ऑब्वियसली ये बुक ही करना चाहिए। और अब आपका क्विक सिंगल। अनुज जी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए अभी, मैक्सिमम प्रॉफिट जोन अभी थोड़ा सा अभी हमें लगता है यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि 3000 के आसपास रिलायंस अगर आता है तो वहाँ पे हमें लगता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। अभी एट दिस मोमेंट यहाँ पे करीब 2200-2300 रुपए के ही प्रॉफिट आते हुए दिख रहे हैं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पे। अगर 20-30 रुपए का अपमूव बनता है तो वहाँ पे, क्योंकि हमारी डाउन साइड यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, 6 रुपए का ही हमारा रिस्क है पूरी स्ट्रेटेजी में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेगा। 3000 के आसपास आएगा तब हम इसको एक बार वापस रिव्यू करेंगे और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। एट दिस मोमेंट जो स्टॉक अभी हमें पसंद आ रहा है वो है MCX। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ओपनिंग के बाद से बना है और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट ओपनिंग के बाद से बनी, यहाँ पे 4050-4060 की तरफ इसके टारगेट ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3958 के आसपास। ओके ठीक है, तो MCX पर एक बाय कॉल। एक बार M&M फाइनेंस लेकर आइए, अब इंट्राडे और ऑफ डेज लो। और अगेन देखिए, मैं एक चीज़ लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ को समझिए, पोजीशनिंग को समझिए, और अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो कैसे रिएक्ट करना उसको समझिए, क्योंकि इवेंचुअली आपका काम है। बहुत लोग कहेंगे कि लोगों को पता था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको ट्रेड फिर भी मिली और कॉन्ट्रा ट्रेड मिली आज। एक बार के लिए तो मार्केट ने आपको 10 रुपये दे दिए, ठीक है ना, चलिए ठीक है, एग्जैक्ट लो पे नहीं भी लिया तो भी 8 रुपये दे दिए, ये समझ लीजिए, इसको 7-8 रुपये दे दिए एक FNO वाले स्टॉक में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये आज का लो, अब आज का लो आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर एक बॉटम है। अगर ये आज का लो टूटेगा तो ठीक है, ऑब्वियसली फिर उसको रिविजिट करेंगे, नहीं टूटा तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक बनेगा। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी बताइए आपका क्विक सिंगल। जी समय मुझे BHEL अच्छा लग रहा है, BHEL ने अच्छा खासा कंसोलिडेट करके 10 डेमा के ऊपर आज ओपन किया है, 263 के लगभग प्राइस है, 259 का स्टॉप लॉस रहेगा और 270 रुपए के टारगेट रहेंगे BHEL के। ओके BHEL बाय, कल क्लोजिंग के वक्त इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था, मैं सुबह भी आपको बता रहा था कि
वॉल्यूम्स बहुत बढ़े थे इन स्टॉक्स में। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा मैम? सो डिफेंस से HAL इज लुकिंग गुड, 3800 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिख रहा है। सो 3860 3900 के प्राइस टारगेट के लिए HAL पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, 3775 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर। के 3806 पे यहाँ पे बाय ट्रेड है। टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई और स्क्रीन पे अभी तक जो मैसेज अपीयर हो रहा है उसमें इट्स आई थिंक रियल स्टेट। एक बार जरा डेरिवेटिव की गिनेस की शीट को मैं फिर देखता हूँ। टॉप पर आ गया है आइडिया और करीब करीब इस वक्त मूव है यहाँ पे DLF दूसरे पायदान पे 890 पे। ओबरा रियल्टी 0.3% ऊपर, मूव यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद जरा आप इंडस टावर लेके आइए 2% ऊपर। MCX का ट्रेड स्क्रीन पे गया डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और अंबुजा सीमेंट्स लगभग 7% ऊपर। स्क्रीन को देखकर अगर कुछ पता लगाना हो कि सेंस रियल स्टेट, टॉप पे रियल स्टेट है, उसके बाद सीमेंट है और कुछ काउंटर्स केमिकल बास्केट से आके एक स्विंग देते हुए। लुक एट आरती इंडस्ट्रीज, आरती को लेके आइएगा एक बार जरा, आरती इंडस्ट्रीज को लेके आइएगा माफ कीजिएगा। मानस आपकी आपका व्यू इस वक्त आरती पे, एक जो 3 दिन का कूलिंग ऑफ हुआ है उसके बाद 10 डे मास एक पुल बैक आता हुआ यहाँ पर, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए आरती इंडस्ट्रीज का व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि आपको बहुत क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज की रेंज में स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तो बिल्कुल एक चांस बनता है। करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, 719 रुपए का स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए इस उम्मीद में कि जो पिछला हाई 760 के आसपास था स्टॉक, उसको एक बार टेस्ट करने की कोशिश जरूर करें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।